और देखिए दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। कल तेजस्वी यादव को बिहार के शहजादे बताने वाले पीएम मोदी के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अगर शहजादे हैं तो पीएम परिजादे हैं, वो बड़े हैं इसलिए उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार है। शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। पीर जादे, एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो पीरजादे हैं। पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बड़ी चेतावनी दी है। तेजस्वी यादव के चिराग पर आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। चिराग पासवान का कहना है कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए फालतू की बात की जा रही है। अगर वो ऐसा बोलते रहे और बदनाम करने की कोशिश करते रहे तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोई और मुद्दा नहीं है, फालतू की बातों को उठाकर ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इन्होंने उस बयान को दोबारा अगर दोहराया है, जिस बयान को ये मेरे साथ जोड़कर ये कहते हैं, यकीनन हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर। वही जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि अब बिहार में जंगल राज नहीं, सुशासन की सरकार है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। प्रेम कुमार ने दावा किया कि बिहार की 40 सीटें एनडीए जीतेगा। तीसरे चरण में अभी खगड़िया से मैं आ रहा हूँ, एकदम एनडीए के पक्ष में हवा चल रहा है। और उसका मूल कारण है डेवलपमेंट, जनता विकास चाहती है। और माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम किया है।